नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना में देश में बेरोजगारी, कश्मीर समस्या और ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पंजाब और कश्मीर अशांत हो गया है और राजनीतिक अलग ही दिशा में भटक रही है। देश की नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है? ऐसे समय पर विश्व का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है, इसका आश्चर्य है। सामना में लिखा है कि हिंदू और मुसलमान की परवाह किए बिना कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का खूनी खेल जारी है। जो लोग देश की तरफ हैं, उन्हें खत्म करना आतंकियों की नीति है। घाटी में पिछले दो महीने में 12 मुस्लिम पुलिस अधिकारी मारे गए। बीजेपी को केवल एक समुदाय, एक धर्म का बलिदान दिखाई देता है। ये राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य नहीं है। देश के लिए बलिदान देने वाले हिंदू का जितना सम्मान होता है, उतना ही सम्मान इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले मुसलमान का भी होना चाहिए। संपादकीय में आगे लिखा गया कि जापान में क्वाड देशों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सहित दुनिया भर के प्रमुख नेता इकट्ठा हुए। वो सभी नेता चल रहे हैं और उसमें सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये तस्वीर हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुई, जो खुशी की बात है, लेकिन उसी वैश्विक मंच पर हमारी बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, उसका क्या? सामना में शिवसेना ने यह भी लिखा कि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा बीजेपी ने खोदकर निकाला है। बाबरी की तरह औरंगजेब की कब्र भी राष्ट्रीय अस्मिता का मुद्दा है, जो बीजेपी कुदाल फावड़ा लेकर उस कब्र का बाबरी करने की हिम्मत दिखाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।